हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है डोंट बी इनसिक्योर। मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि हम खुद को बहुत ज्यादा इनसिक्योर करने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर वन, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब ये कहोगे कि ये हमारे से पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, तो रेलेवेंट है। आजकल सबके पास फोन है, सबके फोन में 99% लोगों के पास तो इंस्टाग्राम हो गई होगा। सब कुछ स्क्रॉल डाउन करते होंगे। जब स्क्रॉल डाउन हम करते हैं उसमें फोटोज देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स की। अब मैं तुम्हें बताऊं ये बिजनेस कैसे काम करता है। हम लोग अभी यहाँ अच्छी क्वालिटी में, अच्छी पूरी टीम है, यहाँ सब लोग शूट कर रहे हैं, बट ये है किसका? ये है रेंटेड। अब किसी को नहीं पता कि ये अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा ये सब पूरा रूम, ऐसा लगता होगा मेरा घर है, बट एक्चुअली मैं तो बता देता हूँ ये मेरा घर नहीं है। ये हमने होटल लिया 2500 रुपये पर डे के किराए पर। अब ये चीज़ होगी किराए पर, बट सब कुछ परफेक्ट दिखाने के लिए ये हमने किराए पर लिया है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार के साथ मैं भी फोटो खिंचाता हूँ, बट मेरे पास एक्चुअल में कार नहीं है। अब मैं तो बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने 30-30 करोड़ के फ्लैट दिखाए हैं और लिया कुछ है नहीं। 500 करोड़ के घर दिखा देते हैं। सबसे पहला गोबर जोन, एक यूट्यूबर YPM व्लॉग्स, इस टाइप के व्लॉगर्स हैं, समझ जाएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ फेक लाइफस्टाइल, जो उनकी चीज़ें नहीं है वो तब भी वो लोग वो चीज़ें दिखाते हैं। तो और जब हम इनकी लाइफ देखते हैं, जब हम एक परफेक्ट एक एंगल देखते हैं, हर चीज़ यहाँ पे एक प्रॉपर लाइटिंग है, मैं अच्छे से बाल बाल काट के खड़ा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा था, तब मेरी शक्ल अलग होती, बट सिर्फ सब कुछ परफेक्ट दिखाने के लिए, सब कुछ फेक दिखाने के लिए हम लोग सब तैयार हुए हैं। लाइटिंग वाइटिंग सब प्रॉपर एडजस्ट है। तो जब हम एक फोटो देखते हैं या फिर कोई बंदा वर्क स्पेस में अपने काम कर रहा है, वो हर चीज़ प्रॉपर सेट करके दिखाता है ताकि वो फोटो या फिर वीडियो अच्छा आए। अब हम उस परफेक्ट चीज़ से, अब हम क्या नाम है, अपनी लाइफ कंपेयर कर लेते हैं। अरे यार इसका कितना अच्छा घर है, अरे यार इसके कितने अच्छे बाल हैं, तो ये बालों में इतना सारा प्रोडक्ट लगा हुआ, बाल पूरे सेट है, वरना मेरे बाल इतने घुंघरालू हैं कि मैगी से भी ज़्यादा मेरे बाल घुंघरालू हैं, कर लिए हैं, गजब बेइज्जती है। तो ऐसे ही करके आप इन फेक इन्फ्लुएंसर से अपनी लाइफ कंपेयर मत किया करो। डोंट कंपेयर योर लाइफ। पॉइंट नंबर टू, फोकस ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन शर्मा जी का बेटा। इस पॉइंट में क्या है, आप खुद पे फोकस करो। कभी कभार क्या होता है, हमारी फैमिली हमें हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर लेती है कि तू उसको, तू खुद को देख, तू क्या कर रहा है, बेरोजगार वगैरह पड़ा हुआ है। मैं तो आज तक बेरोजगारी वाले डायलॉग सुनता हूँ। मेरी बहनें बोलती हैं कि तेरी जिंदगी ऐसी है कि तू बैठे बैठे पता नहीं क्या लिखवा के ले आ गया तू, और मेरे को बेरोजगारी बोलते हैं कि पता नहीं क्या, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। कभी वो क्या करते हैं, शर्मा जी के बेटे को देख, स्पेसिफिकली ये वाला डायलॉग होता है ना, शर्मा जी का बेटा। तो आप खुद पे फोकस करो, ये नहीं कि शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग करी तो आपको भी इंजीनियरिंग करनी है। आजकल क्या हो रहा है, एक अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, द स्किनी डॉक्टर या द स्किन डॉक्टर करके, उसने बोला था ये जो इंस्टाग्राम पे जो अश्लीलता हो रही है ना, जो वो बेसिकली सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां कर रही हैं, जो बाथरूमों में छुपके या फिर छत पे टेरेस पे छुपके क्या नाम है, अपने माँ बाप से छुपके वीडियोस बना रही हैं, वो अपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। मैं ये नहीं कह रहा कोई सी को क्या पहनना चाहिए, मैं कोई नहीं होता, बट आपको भी पता है कि इतना ज्यादा न्यूडिटी, यार विदेशों की रील्स उठा लो अश्लीलता नहीं होती, बट हमारी जो अब जो इंडिया की जो रील्स आ रही हैं सबसे घटिया किस्म की, कोई कुछ भी बना रहा है। मतलब एक तरह से मैं हूँ, मेरे पापा को पता है, मेरे पापा वीडियो देखते हैं, बट ये है कि सामने नहीं देख सकते कुछ वीडियोस, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। वो मेरी वीडियोस दिखाते हैं सबको, सच में कुछ कुछ वीडियोस शर्म आ जाती है, बट अश्लीलता वाली बात है मेरे भाई, अश्लीलता आज मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सोच रहा हूँ, बट हमेशा कहा गया है कि पर्दे वाली औरत की हमेशा इज्जत होती है। तो अब इस बात का कुछ उल्टा सीधा मतलब मत उड़ाना कि भाई एक्स वाई जेड वगैरह, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या तुम नाम ले लो, चलो सोफिया अंसारी को देखा है भाई, तुम्हें पता है किस टाइप का लेवल का कंटेंट बना। अभी एल्विश यादव ने वीडियो डाली है, वो बहुत गंदा कंटेंट है, वो बोल भी नहीं सकते, क्या पता स्ट्राइक वगैरह पड़ जाए, तो मैं ये सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा। सो इट्स बेटर आप खुद पे फोकस करें, ये नहीं कि वो इस चीज़ से हिट हो गया तो आप भी वही चीज़ करो, अपना खुद का सीन करो, दूसरे ने जो किया उस पर मत करो, खुद का करो, खुद क्या करना चाहते हो। मैं नौकरी नहीं कर सकता, मेरे को नौकरी में मन नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस करना है। मेरा बिजनेस अभी एक बड़ा भयंकर झटका खाया है, कभी कभार बिजनेस नहीं चलता। अब अगर ये चीज़ ना होती तो शायद मैं भी रोड पे आ गया होता। तो हमें क्या करना है, आप अगर आपका मन जॉब में तो जॉब में करो, बट ऐसा काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। पॉइंट नंबर थ्री है वर्क ऑन योर फिजिक। अब ये चीज़ मैंने खुद पे भी आजमा के देखी है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था मैं उसमें काम करता था, जो डिश वाले होते हैं उनके लिए छोटी मोटी अकाउंटिंग करता था, तो सैलरी आई मेरी, तो ब्रेकअप हुआ था, पूरा पेट वेट निकला हुआ था और ये उंगली भी टूटी हुई थी, इसकी भी कहानी अलग बताऊंगा। उंगली टूटी हुई थी, मेरा वजन बहुत बढ़ गया, उसके कारण क्या हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया था। बदला कैसे लें, ना था हमें कोई गाने का टैलेंट, ना पहन जो किसी चीज़ का टैलेंट, टैलेंट किसका है, जिम शुरुआत से जाता था मैं। तो मैंने क्या किया, सैलरी आई, घर पे 4-5 हज़ार रुपये दिए,
बाकी सारे पैसे अपने जिम ट्रेनर भाई को दे आया। उसने भाई बॉडी बनवाई 3 महीने बॉयल चिकन वगैरह से, सब एकदम बढ़िया से प्रोटीन वोटीन दे के। और जब बॉडी बनी ना, उससे इंस्टाग्राम की फॉलोइंग बढ़ी 365 से डायरेक्ट 10K हुए थे उस जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स फिट वाले बहुत कम थे। भाई जितने भी तुम्हारे भाई को लड़के छोड़ के गई थी ना, जब बॉडी बनाई है माँ कसम ऐसे चेकलिस्ट है, एक एक लड़की वापस आई है पलट के, एक भी सिंगल नहीं छूटी कि वो गलती से छूट गई ना, वो भी वापस आई है। तो ऑलवेज वर्क ऑन योर फिजिक। अब फिजिक पे कैसे वर्क करें, तो क्या करना है कि बजट हमारा है बहुत कम, और आपको सिंपल फंडे बता रहा हूँ, आपको एक वे प्रोटीन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में चिकन वगैरह ऐड कर लेना, वेजिटेरियन हो तो पनीर टोफू वगैरह ये सब चीज़ें ऐड कर लेना। डाइट की वीडियो कभी सेपरेट बना दूंगा, अभी शॉर्ट शॉर्ट में समझ लो। वे प्रोटीन का बजट कम है तो मेरे वाला वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, इसका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का वे आइसोलेट। ट्रस्ट मी गाइस, तो मैं बता रहा हूँ, तो मेरे छोटे भाई हो, बजट बहुत ज़्यादा कम है और इतना सही टेस्ट है ना इसका, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा महीन पाउडर है, बहुत सही टेस्ट है। मतलब पहली बार देखा इस रेंज में इतनी अच्छी जो प्रोडक्ट टेस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर रखता हूँ, रिजल्ट तो होता ही है, मैं टेस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। मैं हर वे प्रोटीन मुझ पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि मेरे को टेस्ट ही अच्छा ऐसा लगता है, मन में चढ़ गया, कभी कभार डब्बा खोलते ही बदबू आ जाती है, वो तुम वे प्रोटीन नहीं खा पाओगे, बट अगर आप इसकी खुशबू सूंघोगे ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है। ट्रस्ट मी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऊपर से बजट बहुत ज़्यादा कम है। वे आइसोलेट मिल रहा है आपको इस बजट में, आँख बंद करके ले लो। अब इसके थोड़े से बेनिफिट सुन लो क्या है। ये जो वे प्रोटीन मैं आपको लेने कह रहा हूँ, वे प्रोटीन कौन कौन यूज़ कर सकता है, मेरे हिसाब से वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। मैं खुद भी एक बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक जिम गोअर हूँ, मेरे को एक्सरसाइज करना पसंद है। आप एक्सरसाइज आप किसी भी तरह की कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर लो, रनिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, कैलिस्थेनिक्स कर लो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर लो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे उसमें आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती। हर कोई वे प्रोटीन यूज़ कर रहा। अब आप कहोगे वे प्रोटीन है किसके लिए, ये लड़कियों को भी लेना चाहिए और लड़कों को भी लेना चाहिए, जो एक दो दिन की मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं उनको भी लेना चाहिए, मेरी तरह 7 दिन जाने वाले जिम वो भी लेते हैं। वे प्रोटीन बहुत सही प्रोडक्ट है। अगर मेरी नॉलेज बहुत कम हो सकती है, बट जैसे मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ बिना वे प्रोटीन की बॉडी नहीं बन सकती, और अगर थोड़ी बहुत बन रही है तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी जितनी वे प्रोटीन के साथ बन सकती है। जब मेरा बजट बहुत कम था, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकअप वाले दौर पर, तो मैं वे प्रोटीन ही यूज़ करता था, वे प्रोटीन प्लस फैट बर्नर्स। अब जो लाइट एक्सरसाइज करते हैं 1 से लेकर 2 दिन तक, उनको कितना प्रोटीन चाहिए, उनको चाहिए 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आप 80 किलो के हो तो आपको चाहिए 80 ग्राम प्रोटीन। अब मेरे ऐसे में कितना, मैं फिलहाल लगभग मेरा वजन 80 किलो है, बट मेरा जो आइडियल वेट है वो समथिंग मैं 75 तक कट कर लूँगा, 84 का था मैं, अभी 4 किलो कम हुआ है, तो मैं बॉडी बनाई थी ना, थोड़े ऐप जब जा गए थे, तो मैं फिलहाल लगभग 140 ग्राम प्रोटीन पर डे का ले लेता हूँ। अब कुछ इससे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के आइसोलेट से लेता हूँ, बाकी डाइट से लेता हूँ। तो यही नहीं कि प्रोटीन का डब्बा ले लिया सारा पेल दिया, नहीं नहीं ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रोटीन से भी लेना है और न्यूट्रिशन से भी लेना है, मतलब एब्जॉर्ब के वे आइसोलेट से भी आपको प्रोटीन लेना और जो डाइट लोगे उसके भी। बिना डाइट के ये भी काम नहीं करेगा, सिर्फ डाइट से भी आप बॉडी नहीं बना पाओगे, उसके बॉडी बनाने के लिए आपको एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का वे आइसोलेट भी लेना पड़ेगा। ये आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, इसमें बहुत कम कार्ब्स हैं। मतलब अब कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार डाइट खाने का मन नहीं करता, मतलब हर टाइम चिकन नहीं खा सकते। जैसे अब मैं शूट पे आया तो मैं कितना 300 ग्राम चिकन खाया, अब मील रिप्लेसमेंट कैसे हो, तो एक स्कूप प्रोटीन लिया पी गए, तो ये आपका मील रिप्लेसमेंट हो गया। मतलब आपको लगभग 27 ग्राम प्रोटीन आपको एक चम्मच में मिल गया, और यही 27 ग्राम प्रोटीन लगभग 300 ग्राम चिकन में 59 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। तो मील रिप्लेसमेंट भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बनाना शेक बना लिया, बनाना से एक केला, एक स्कूप प्रोटीन, पीनट बटर, हनी और थोड़ा सा दूध, इस तरह के मील रिप्लेसमेंट बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। टोटल बात यह है कि कट टू द शॉर्ट बोलूँ, बिना वे प्रोटीन के आप बॉडी नहीं बना सकते हो। आपका कम बजट है, आप वे प्रोटीन पे फोकस करोगे और अच्छी डाइट पे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है, ऊपर से एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन की सबसे अच्छी बात है, ये आपको किसी और सप्लीमेंट में नहीं मिलेंगे। ये आपको गवर्नमेंट एजेंसीज के लैब रिपोर्ट्स देता है, मतलब एक तरह से आपको ऑथेंटिसिटी के, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है सेफ है, उसके लैब रिपोर्ट्स पकड़ाता है। कौन से ऐसा सप्लीमेंट ब्रांड है जो आपको लैब रिपोर्ट्स पकड़ाता है, कोई नहीं पकड़ा था। बहुत सारे सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ 5 साल से, ये 6ठा साल चल रहा है मेरे सप्लीमेंट से, सारे सप्लीमेंट्स ट्राई कर लिए, ये जो चीज़ है मैंने अभी तक किसी और सप्लीमेंट में नहीं देखी है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के वे आइसोलेट, एक तो इसका डब्बा बहुत ज़्यादा प्यारा, माँ कसम पूरा विदेशी वाला स्टैंडर्ड दिया है, पूरा विदेशी वाला। ऊपर से 33 ग्राम के एक स्कूप में आपको 27.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही, इंटरनेशनल ब्रांड्स की टक्कर का ये इस टाइम, जिसमें एक स्कूप में आपको इतना प्रोटीन मिल रहा है,
डब्बे की ब्यूटी देख रहे हो मेरी जान, मतलब मेरे हिसाब से इस प्राइस में आपको इससे बेटर नहीं मिलेगा। ऊपर से क्या कभी कभार क्या होता है, लड़कियां बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि हमें प्रोटीन वगैरह नहीं लेना, तो आपको भी लेना चाहिए। जब आपको लैब रिपोर्ट मिल रही है, ऑथेंटिसिटी की पूरी गारंटी मिल रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज इसको ऑथराइज कर रही है, तो फिर क्या दिक्कत है। मेरे हिसाब से बेस्ट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 4, नेवर टेल योर इनकम प्लस फाइनेंशियल कंडीशन। किसी के सामने भी हमें ये नहीं बताना, नो मैटर आप 10,000 रुपए कमाते हो, आप 10,00,000 रुपए कमाते हो, कभी भी किसी को अपनी इनकम नहीं बतानी। कोई भी पूछे कितने, वो उंगली करते रहेंगे कि कितनी इनकम हो जाती है, कितनी इनकम हो जाती है। अब बट मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मेरे एक भाई है नमित भाई, वो बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत सारी कंट्री, और हमारे पूरी फैमिली में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है उनकी, अच्छी खासी इंग्लिश है और अच्छी उसमें जॉब करते हैं, जेनपैक्ट में थे, अब शायद विप्रो में। उनसे मैं बचपन से पूछता रहा हूँ कितने पैसे कमा लेते, कितने पैसे, उस बंदे ने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि कितने। तो अब इसके दो चीज़ें होते हैं, मैं बहुत क्यूरियस हो गया था, नमित भाई कितने पैसे कमा लेते हैं, मुझे 3 समथिंग लाख रुपये कमा लेते होंगे। उससे क्या होता था, जब आप किसी को कैलकुलेट करते हो कि बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 रुपये कमा रहा है, आप उसको उतनी ही इज्जत दोगे, कमाई के हिसाब से इज्जत होती है। पॉइंट नंबर 5 है, यू थिंक लेस ऑफ यू। अब ये भी इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा कारण है। हमें क्या लगता है कि हम मतलब उसके साथ हो गया, सपोज करो मेरी जो मेरा जो जॉनर है फैशन एंड ग्रूमिंग है, इसमें बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब किसी के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब की बात करूँ, इंस्टाग्राम की तो बात अलग है, किसी के उसमें, बट कभी कभार जो उन टॉप 5% में से उठाऊंगा यूट्यूबर्स में से फैशन ग्रूमिंग के, उनके इंस्टाग्राम पे मेरे इतने नहीं है, मेरे अभी लगभग 50,000-60,000 कम हुए, तो उनके इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, तो फॉलोअर्स हैं। तो कभी भी खुद के बारे में कम महसूस ना, अब ये बोलना बहुत आसान है, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने जॉब छोड़ी ये बात थी लॉकडाउन से एक दिन पहले, शायद 20 या 22 मार्च था, 21 मार्च हुआ, तो जब मैंने फ़ोन काटा ना जॉब छोड़ी उस टाइम पे, मैंने फ़ोन काटा कि गाँव आप नौकरी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, अब भैंसो अब क्या करूँगा। फिर मैं पापा फ़ोन किया, तो मैंने पापा को फ़ोन किया, तो मैंने कहा पापा मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा था वो, तो मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो पापा सेट के बेटा हमने तो कभी तुझसे कहा भी नहीं, और ना हमें वो चाहिए, जो तुझे करना है तू आराम से कर। तो चलो ठीक है, थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर घर पे आया, मैं मम्मी और छोटी बहन को बैठाया, मैं कहा मम्मी कुछ टाइम तक मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत टाइम तक जितने भी महीने होंगे, मैंने कहा मम्मी थोड़ा बहुत मैं परेशान रहूँगा, तो मैंने पहले से बता दिया, तो मैं कहा आप मेरे को ज़्यादा वो मत करना, समझना मत, मतलब टॉर्चर से मत करना, या फिर क्या कर रहा पूछना पड़ना मत, मैं थोड़ा टाइम तक डिस्टर्ब रहूंगा क्योंकि मम्मी इनकम अब टूटे। पापा कह रहे, पापा की हालत खराब थी, घर की स्थिति, तो पापा ने कहा बेटा ऐसे काम नहीं करे, कहीं तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, चाहे मैं करूँ चाहे तू करे, बट किसी को तो घर चलाना पड़ा। ये बीच में जो मैं जो ये डाउट वाला पीरियड है, इस टाइम पे डाउट मेरे अंदर नहीं था, डाउट सोसाइटी ने भरा कि भाई अब तू काम कर, तू कैसे करेगा, उस टाइम पे मेरी फटी थी भाई, पैसे नहीं है कि कैसे काम चलेगा, बट अगर मतलब खुद पे भरोसा चल गया, मैं वीडियो डालता रहा कंटिन्यूसली, उस टाइम पे इनकम नहीं सोची थी, जो आज के बच्चे सोच के आते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, भाई पैसा आएगा, भाई ब्रांडिंग आएंगे, मैं कसम खा रहा हूँ अगर पैसे के लिए आता तो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि पैसा था ही नहीं जब पहली डील 1,25,000 रुपये छोड़ी। मेरा मैनेजर उसी टाइम अपनी माँ चुप रही थी, बोला भाई 1,25,000 रुपये छोड़ रहे हो तुम, 15 दिन पहले टिकटॉक पे आए हो, भाई बहुत अच्छी इनकम है, मैंने छोड़ी, क्योंकि माइंड में पैसा नहीं था, माइंड में थी वैल्यू प्रोवाइड करनी है मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए, इसीलिए आज यहाँ पे खड़ा हूँ, पैसा सोच के आऊंगा ना तो आज क्या कल तक नहीं चल पाऊंगा। जब तक ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे पैसा कमा जाओगे, बट 2019 से लेकर जब यूट्यूब पे था, 2019 को पहली वीडियो डाली थी और 2000 जॉब छोड़ी 20 तक 104 सब्सक्राइबर्स थे, और इंस्टाग्राम पे लगभग 35 से लेकर 50,000 35,000 फॉलोअर्स थे, 35,000 ऑडियंस को यूट्यूब पे नहीं शिफ्ट कर पाया था इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी, जब से वैल्यू देना प्रोवाइड करी थी ना, अपने आप यूट्यूब यहाँ आ गया, इंस्टाग्राम यहाँ आ गया। तो अब बारी आती है गिव अवे की। मैं गिव अवे में ऐसे 3 बॉक्सेस दे रहा हूँ, मतलब एब्जॉर्ब वे आइसोलेट के ऐसे 3 बॉक्सेस दे रहा हूँ 3 लकी विनर्स को, जिनको कि मैं खुद चुनूंगा। आपको बस सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है कि क्यों आपको इस एब्जॉर्ब वे आइसोलेट की ज़रूरत। मैं किसी को भी चुनूंगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो बहुत सिंपल से रूल्स हैं, सुन लो। सबसे पहली चीज़, आपको एंटर करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली फ्री है, 0 पैसे, कोई पैसे नहीं है, और तरह हम फर्जी वाला नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल पर गिवअवे हो रहा है तो सब कुछ फ्री ही होता है। कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है जब से मैंने वीडियो डाली है, मतलब कि अभी से,
और कॉन्टेस्ट खत्म कब होगा? कॉन्टेस्ट खत्म होगा 9 जुलाई 2021 को रात के 9 बजे। उस टाइम मैं ऑफिशियल 3 विनर्स अनाउंस कर दूंगा। पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है? पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहला आई वॉन्ट दिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज, उनके पास एक वैलिड जीमेल अकाउंट होना चाहिए जो कि हम वेरीफाई करेंगे, और जो भी इस गिव अवे के विनर्स होंगे वो हमारे सोशल मीडिया पे अनाउंस होंगे, या तो मेरे या फिर एब्जॉर्ब के पेज पे, वो किसी पे भी हो सकते हैं, बात एक ही होगी, मोस्टली मेरे पेज पे होंगे तो मैं अनाउंस कर दूंगा क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने पूरे रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। हम एक एक चीज चेक करेंगे। विनर को हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिसे हम वैलिडेट करेंगे एक पिन भेज के उनके जीमेल अकाउंट, उसके बाद ही आपको प्राइज मिलेंगे। और ये यूट्यूब रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस गिव अवे के लिए, इस गिव अवे के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, एब्जॉर्ब खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे को बोल देना, मैं एब्जॉर्ब से बोल के आपके घरों पे ये बॉक्सेस पहुँचवा दूंगा। पड़ोसी की शादी स्टार्ट होने वाली है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, जल्दी से लाइट भी गई, देखा एब्जॉर्ब को भी चाहिए, बहुत टेस्टी प्रोटीन है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एब्जॉर्ब वे प्रोटीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके बाय कर सकते हैं। क्यों करते हैं वो, उन्हें पता है कि अब अगर इनके वो भाई खर्राटे आ रहे हैं। आवाज है खर्राटे आ रहे हैं।